हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसिन, जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 4। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 4, जो कम्प्लीटली आपकी बेस्ड है एडी एंड एएस के कॉन्सेप्ट पे। एडी और एएस मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप कोर्स की बात करेंगे एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स पे इस पे कुल मिला के 3 चैप्टर्स हैं, और 3 चैप्टर पर अगर आपने महारती हासिल कर ली तो उसके सारे एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 3 यूनिट सॉल्व कर चुके हैं, 3 यूनिट हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम इसका पार्ट 1 यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 करेंगे, देखते हैं पार्ट 1 में क्या है क्या नहीं है, हमें वो क्या हमें देखने को मिलता है। ओके चलिए, तो ये सब मेरे हैंडल्स हैं, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मेरा इंस्टा हैंडल पर्सनल। तो ये क्या है, मैंने बताया था आपको हर बार, AJAYSINGH_2303। ये चीज़ आपके यहाँ पे हो गई है। ओके चलिए, तो ये है हमारा यूनिट 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम इसमें ADAS के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह, इनकी थ्योरी सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज, फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉय, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अब हमें कुछ और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर C, एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलेंट्री एंड फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ पे वॉलेंट्री और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, सी नहीं होगा इसका, सॉरी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D होगा, अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क फाइंड वर्क। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यही होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और जिनको काम मिल चुका है। ओके, तो ये होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। नेक्स्ट, इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ही आउटराइटली रिजेक्ट सेज द लॉ ऑफ मार्केट एंड वॉज वन ऑफ द मेन क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो ही लिखा हुआ है वो ही किसके लिए बोला गया है यहाँ पर, तो वो बोला गया है वही, आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली थ्योरीज किसने दी हैं, जेएम कीन्स ने ही दी हैं, तो वही है यहाँ पे, जॉन मैनर्ड, जे डॉट एम डॉट कीन्स। ओके, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट एग्रीगेट डिमांड कॉम्पोनेंट। एग्रीगेट डिमांड में होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड में होता है AD बराबर C फॉर कंजम्पशन, प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट, ये कहलाता है आपका नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, तो क्या है, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ क्लोज इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कॉम्पोनेंट। जी नहीं, क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पे सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट होते हैं, जो कि होते हैं C+I। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एज पर द टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एनालिसिस, AD=2, अगर हम टू सेक्टर की बात करेंगे ना, टू सेक्टर में क्या होता है, AD=C+I, ये टू सेक्टर होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसके हम लोग बोलेंगे इसका क्या होगा, टोटल स्पेंडिंग, टोटल स्पेंडिंग एज सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो वही चीज है, C+I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम ही क्या कहलाएगा, AD यहाँ पर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीगेट रिलेशनशिप बिटवीन, तो एग्रीगेट रिलेशनशिप है किसके बिटवीन होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। ठीक है, जो भी आपका AD होता है, Y होता है, AS होता है, तो उसी के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कंजम्पशन इन केन्स, केन्जियन एनालिसिस डिपेंड ऑन, केन्जियन एनालिसिस में जो कंजम्पशन है किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, ये इनकम, ये कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी आपकी बढ़ेगी। द कंजम्पशन फंक्शन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या इक्वेशन होती है कंजम्पशन फंक्शन की, C=C⁻+BY। तो सी तो मतलब होता है कंजम्पशन, सी बार मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी मतलब होता है MPC, और वाई मतलब होता है इनकम। ठीक है, तो C बार प्लस बी
वाई. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. 9. एग्रीगेट डिमांड कर्व. एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या होगा, शोज डिजायर्ड एक्सपेंडिचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी. एडी का जो कर्व होता है किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है. दिस इज योर एडी कर्व. ओके, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे एडी, 0 एक्स वाई. नेक्स्ट, वन कंपोजिशन फंक्शन शूट्स वाई एक्सिस इंडिकेट्स. तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंजम्पशन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज 0. सिंपल सी बात है, इनकम के 0 होने पर भी, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ एग्रीगेट डिमांड का, ये मैंने एग्रीगेट डिमांड ग्राफ बनाया है, ये इनकम 0, तो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हो रहा है ना. इनकम 0 का जो इतना कंजम्पशन है जो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इनकम 0 है फिर भी कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, वो हमारे पास सेविंग से कर रहे हैं, तो वही कहलाती है आपकी बात की मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन अंडर केन्जियन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू. मिनिमम लेवल जो जितना हो तो होना ही होना है, तो क्या कहलाता है वो, वो कहलाता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन. कैसे, यहाँ देखिए ये ग्राफ है आपका, ये 0, ये कंजम्पशन जो यहाँ से लेके जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, सॉरी ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यही कहलाता है, यही कहलाता है आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कंजम्पशन दैट चेंजेस विद द चेंज इन इनकम कैन टर्म्ड एज, वो कंजम्पशन जो इनकम के चेंज होने से क्या होती है, चेंज हो जाती है, सो क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं. इंड्यूस क्या होती है, इनकम पर डिपेंड करती है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगी. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इक्वल्स, कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा सी, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन कंजम्पशन और ये होगा आपका चेंज इन इनकम. ओके, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. 14. द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम विच डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर टू स्पेंड हिज इनकम रेफर्स टू. तो क्या होगा भाई, प्रोपेंसिटी टू अर्न, ऑप्शन नंबर सॉरी डी डी डी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होगा. क्या लिखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू कंज्यूमर टू स्पेंड हिज इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करना, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 15. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी में एट्रीब्यूट टू द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन. जो इंड्यूस इनकम होती है, क्या बोला है, तो इंड्यूस इनकम है उससे कौन कौन से इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड, पहला लेवल ऑफ इनकम और दूसरा एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी वुड द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है गुड्स एंड सर्विसेज भी सप्लाई की क्या बढ़ेगी, ज्यादा हो जाएगी. तो 16 का क्या होगा, इंक्रीज. ठीक है, सबके पास पैसा आ जाएगा तो भाई डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तो बढ़ जाएगी एज पर द, एक तो रात हो रही है, रात के 3 बजे के आसपास हो रहे हैं और ये वीडियो आ रही है आपके पास. ठीक है, एज पर द एग्जाम ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स अ फर्म मस्ट अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इफ, ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन रेट ऑफ एफिशिएंसी इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. द मार्जिन रेट ऑफ एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट, इफ एमपीसी एपीसी फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन फंक्शन वुड बी, क्या होगा, सी इज इक्वल टू बी वाई, एम पी सी और ए पी सी फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी वाई. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो आपकी ए पी सी है, ए पी सी 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो कैन बी ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन होना चाहिए इसका 19 का, तो क्या होगा, 19 का बी ऑप्शन ही होगा कि 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है. क्यों,
सी अपॉन वाई होता है, अगर मान लो सी 10 है और वाई 2 है तो ऑब्वियस सी बात है 5 जो आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है। द 45 डिग्री लाइन इन द कॉन्टेक्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट रेफर्स टू, तो क्या होती है वो 45 डिग्री? सी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये होता है 45 डिग्री जो लाइन होती है ना वो ये होती है। ठीक है, जो आपका ए एस भी होता है, जो आपका वाई भी होता है। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है आपका, ए पी सी इज वन वेयर एज सेविंग इज सेविंग्स आर जीरो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये होता है इनकम यहाँ पे, तो ए पी सी वन होगा और सेविंग क्या होगी, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर थ्योरेटिकल एक्सप्लोरेशन अंडर केन्जियन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है, लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट आर इन्वर्सली रिलेटेड टू इनकम ऑफ द कम्युनिटी, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से क्या होती है, पॉजिटिवली रिलेट करती है। इनकम इनकम जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज्यादा। टोटल सेविंग इन प्रोपोर्शन टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ टोटल इनकम कैन बी रेफर टू एज, क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल से बोला ना, क्या बोला, टोटल सेविंग इन प्रोपोर्शन टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ टोटल इनकम, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई, इनकम का कितना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वही आपका एपीएस कहलाता है। 24, सेविंग्स कर्व स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इन द कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है आपको, सी की वैल्यू 100 प्लस 0.7 वाई, द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस सेविंग, ऑटोनॉमस सेविंग क्या होती है, देखो सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये होता है आपका माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस b y, तो अगर मुझे निकालूंगा कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, हो जाएगा माइनस का 100 प्लस, अब ये एम पी सी इतना है तो ये 0.3 y हो जाएगा, क्या सेविंग फंक्शन, इसमें क्या बोलते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, इसमें से आपका नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस सेविंग क्या है, माइनस का 100। ऑप्शन नंबर बी। व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 75 करोड़, एमपीसी 0.65, इनकम लेवल 1500 करोड़, देन द टोटल कंजम्पशन, सबको पता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये होता है। तो सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है, 75 करोड़, प्लस एमपीसी कितना दे रखा है 0.65, और इनकम कितनी दे रखी है 1500। तो सॉल्व करके कितना आ रहा, 26 का आंसर सॉल्व करके आएगा आपका 1050। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी एज पर क्लासिकल्स, एनी राइज इन द नॉमिनल वेजेस एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जनरेशन इन द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 28, अज्यूमिंग दैट एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज इन द गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम रिड्यूसेस द टैक्स सिग्निफिकेंटली, थस इट वुड रिजल्ट इन, क्या बोला है इन्होंने, एक इमेजिनरी इकोनॉमी करनी है जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को रिड्यूस कर रही है। अगर टैक्स को रिड्यूस करेगी तो क्या होगा, टैक्स रेट को बेसिकली रिड्यूस करेगी यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा एक्सपेंशन, चीजें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन क्यों, अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग खर्च करेंगे, और लिमिटेड रिसोर्स में अगर अनलिमिटेड डिमांड बढ़ती है तो क्या कहलाती है, वो इन्फ्लेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मल्टीप्लाइड इंक्रीज इन फाइनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस नेचर ऑफ मल्टीप्लायर वॉज प्रोपॉइंटेड बाई, यानी कि वो सबको बताया कि मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम में क्या चेंज आता है, तो वही चीज पूछिए, तो कितना दिया, ये लॉ किसने दिया है, ये दिया है आर एफ कहन ने, जब इकोनॉमिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एज पर द एक्सियम्स ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स इन एन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ रिसेशन द एक्शन टेकन बाय ओनली वुड हेल्प द इकोनॉमी टू फाइट द सिचुएशन, अगर आपकी इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिसेशन आ गया है तो भाई वहां पे कौन हेल्प कर सकता है, वहां पे बेसिकली कौन हेल्प करता है, गवर्नमेंट ही हेल्प आपकी सबसे पहले आके करती है। ठीक है, इफ इन एन इकोनॉमी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस
और सेविंग फंक्शन दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। तो इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ पे आपको निकालनी है, आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई, एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है माइनस का 20 प्लस 0.1 वाई। अब सबको पता है इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होता है, एस बराबर आई होता है, सबको पता है ना एस बराबर आई होता है। तो माइनस का 100 प्लस 0.2 वाई बराबर माइनस का 20 प्लस 0.1 वाई, ठीक है। तो अगर मैं 100, अगर मैं 0.2 वाई माइनस 0.1 वाई ले जाऊं, तो माइनस का 20 प्लस का 100, ये कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। और ये कितना है, 0.2 में से 0.1 जाएंगे, देखो बिल्कुल बेसिक, 0.2 में से 0.1 जाएगा 0.1 वाई, ठीक है। तो 0.1 वाई इज इक्वल टू कितना, 80। तो वाई इज इक्वल टू 80, 0.1 पॉइंट हटाया 0, तो इनकम कितनी आ गई, 800। यहाँ दिखने रहा होगा, यहाँ लिख लो इनकम आ गई बच्चा आपकी 800। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस एस और आई को क्या कर दिया, इक्वल यहाँ पर कर दिया। एज पर किंजन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर सेविंग दे रखी है यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। तो कौन सा लेवल होता है आपका, एक्स एंटे सेविंग बराबर होती है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, एसआई अप्रोच या फिर एडी एएस, कौन सा है, एडी एएस अप्रोच। डिजायर्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर इज नोन एज, डिजायर्ड सेविंग क्या होती है सबको पता है, एक्स एंटे। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटे और एक होता है पोस्ट। एंटे में दो चीज आती है सेविंग इन्वेस्टमेंट, और इसमें भी दो चीजें आती हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो एंटे में हम हमेशा डिजायर्ड चीज देखते हैं, क्या देखते हैं डिजायर्ड चीज, पर डिजायर्ड सेविंग कितनी होगी एक साल में, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना होगा। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, एक्चुअल बाद में, तो एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व सी एस इज इंडिकेटिंग दैट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस, देयर बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट सप्लाई। 34 क्या होगा, 34 का होगा पॉजिटिवली स्लोप, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो क्या होगा पॉजिटिवली स्लोप। अकॉर्डिंग टू कीन्स, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइन द इंट्रैक्शन ऑफ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट यानी कि वाई इज इक्वल टू एडी इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ, तो किसका इंट्रैक्शन यहाँ पे होता है, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ये सारे क्या है, ये तो पहला। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड वेयर, इफेक्टिव डिमांड कैसे बोलते हैं, जहां पर आपका क्या हो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सिंपल ए एस बराबर ए डी, ये क्या होता है आपका इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इफेक्टिव डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है हमारा, किस चीज का एस्पेक्ट रखता है, ऑप्शन नंबर बी, एज इफेक्टिव डिमांड इंक्रीजेस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम अंडर केंजन इकोनॉमिक्स इज डिटरमाइंड व्हेन, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है, वही होता है। व्हेन प्लान स्पेंडिंग इज मोर देन प्लान आउटपुट, यानी कि एस अगर सॉरी ए डी ज्यादा होगा किससे, ए एस से, तो अगली बार क्या करेगा, ए एस को बढ़ाया जाएगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो 13 का क्या है आपका, इन्वेंट्री लेवल फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन, किसमें किसमें चेंज देखेंगे हम लोग, देखो भाई इनकम और इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में दो चीज देखी जाती है यहाँ पे, कि इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई सॉरी डेल्टा वाई बाय डेल्टा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने,
डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ठीक है। ओके नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, ये है आपका मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी जितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, सपोज द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी राइजेस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 75,000 करोड़, एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस 3,000 से 3,500। एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है भाई, देखो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है 300 से 3,500, यानी कि 500 का चेंज यहाँ लिखते हैं, 500 का चेंज आ रहा है, और इनकम में कितना चेंज आ रहा है 2,500 का, 0 0 1/5, यानी कि 0.2, ए ऑप्शन 42 का 0.2, ठीक है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.75, चेंज इन फाइनल इनकम 12,000, द वैल्यू ऑफ चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी, यानी कि आपको एमपीसी दे रखा है 0.75, चेंज इन फाइनल इनकम यानी कि इनकम में भी चेंज दे रखा है डेल्टा वाई 12, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे दो फॉर्म लगेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी, तो 1/1 - 0.75, तो 1/0.25, 4, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, और के बराबर होता क्या है, ये होता है आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 4 बराबर डेल्टा वाई 12,000, और डेल्टा आई कितना, 4 से काटो 3,000, डेल्टा आई कितना है 3,000 है 43 का। एन इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी लीड्स टू, तो 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ट्रू, सेकेंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, थर्ड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दी कंट्री, आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दे रखी है, नो टैक्सेस दे रखे, कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम। तो बच्चा ये क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी इक्वल्स, मैं सबके आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोग खुद से करके देख लेना। ऑप्शन नंबर सी 95,000, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 46 का ऑप्शन नंबर सी, 5 टाइम्स। सो गाइज यहाँ पे हम अपना पार्ट वन क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं, खत्म करते हैं, और पार्ट टू इसका आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट थ्री है इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, नाइस।